नमस्कार, मैं प्रिया। आज 29 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के ज्ञान से अपडेटेड रहना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार के गांव को चमकाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों और मजदूरों को दिया निर्देश। बिहार के 7 जिलों में आगमन में होगी सहूलियत। किसानों को सस्ती बिजली के लिए सरकार ने फिर खोला खजाना। आज भिड़ेगी सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के गांव को चमकाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के गांव भी शहर की तरह ही चकाचक होने वाले हैं, क्योंकि बिहार के गांव को चमकाने की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर पंचायती विभाग ने बिहार के सभी गांव में 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चरण 2 में 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग करने की योजना है। पंचायती राज विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इसको लेकर के संकल्प पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ इसे पूरा करने के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चरण 2 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा की जाएगी और इसका उपयोग करने की योजना है। विभाग की माने तो जारी किए गए आदेश के अनुसार अब तक लगभग सभी वार्ड में इस तरीके की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। पक्की गली नली का निर्माण हो चुका है, हालांकि अभी भी कुछ टूटे हुए बसाहटों को पक्की गली नली से जोड़ने की कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों और मजदूरों को दिया दिशा निर्देश। गर्मी का सितम दिनों दिन बढ़ने लगा है। अभी तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तेज धूप के कारण दोपहर में सड़कें वीरान होने लगी है। सुबह 10 बजे के बाद से ही सूर्य की तेज किरणें लोगों को झुलसाने लगी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी विभागों को पत्र जारी कर आम लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही सभी विभागों को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करें कि लू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। सभी नगर निकाय शहरी क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था हो। इसके साथ ही स्कूलों में कक्षा का संचालन सुबह के समय कराया जाना चाहिए। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल मिलाकर 75 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के 7 जिलों को आगमन में होगी सहूलियत। आने वाले समय में इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस सड़क से होकर आवागमन शुरू होने से सीधे तौर पर 7 जिले के लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार का सीधा सड़क संपर्क नेपाल सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से भी हो जाएगा। सबसे खास बात यही है कि अलग अलग चरणों में इसके निर्माण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। योजना के अनुसार 375 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण किया जाना है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना पर काम किया जा रहा है। बिहार में ये सड़क पश्चिम चंपारण में मदनपुर से शुरू होकर पूर्वी चंपारण के रक्सौल, सीतामढ़ी के बैरगनिया, सोनवर्षा होते हुए मधुबनी जिले के जयनगर, सुपौल में वीरपुर, अररिया में सकटी होते हुए किशनगंज के गलगलिया तक जाएगी। पटना के प्राइवेट स्कूलों की किताबों के दाम में हुई 40% की बढ़ोतरी। बिहार की राजधानी पटना में अब पढ़ना लिखना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना के स्कूलों में मिलने वाले किताब में 40% की वृद्धि हो गई है। प्रकाशक या स्कूल प्रबंधक 1 रुपए की छूट देने को तैयार नहीं है। राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल की कक्षा 4 के बच्चों के लिए किताब कॉपी की कीमत 5,000 से ज्यादा हो रही है। 100 रुपए की किताब 500 में बेची जा रही है। जल्द ही इस संबंध में अभिभावकों को एक प्रतिनिधिमंडल भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करेगा। संघ का आग्रह है कि सरकार निजी स्कूल को NCERT के पुस्तकों को पढ़ाने का आदेश जारी करे। महंगी पुस्तक बिक्री करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में फिर से बढ़ी छड़ी, बालू, छड़ और सीमेंट की कीमत। बिहार में जल्द ही निर्माण कार्य करवाना और ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से छड़ी, बालू, छड़ और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। आलम कुछ यूं है कि 20 दिन में सभी तरह के निर्माण सामग्री, छड़ी, बालू, छड़ और सीमेंट की कीमत में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल में 40% निर्माण सामग्री की कीमतों में उछाल है। इसको लेकर बिल्डर सह निर्माण सामग्री कारोबारी अनिल खेतान ने बताया है कि घाट बंदोबस्ती, पर्यावरण संबंधी नियम में सख्ती और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के बाद बालू और छड़ी की कीमत बढ़ गई है। छड़ तैयार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो चाइना से आयात होता है, सब अभी आयात रुका हुआ है। ऐसे में छड़ की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई खर्च से लेकर उत्पाद खर्च भी बढ़ गया है। महंगाई बढ़ने का ये भी एक कारण है।
बिहार के भागलपुर और लखीसराय में सबसे बड़ा होगा विद्युत प्रोजेक्ट। बिहार में जल्द ही 1 रुपए सालाना की लीज पर कंपनी को जमीन देने का काम शुरू होने वाला है। इसके तहत ही बिहार के भागलपुर और लखीसराय में सबसे बड़ा विद्युत प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसके तहत ही बिहार के कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में थर्मल पावर प्लांट की जगह सौर पावर प्लांट लगाने के लिए 2225 एकड़ भूमि बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को ट्रांसफर की जाएगी। बिहार खास महल नीति 2011 को शिथिल करते हुए कंपनी को 33 वर्षों के लिए 1 रुपए प्रतिवर्ष सांकेतिक लीज पर दी जाएगी। इसको लेकर ऊर्जा विभाग ने संकल्प भी जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने अब दी लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी। पंचायती राज विभाग ने बिहार के लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, जिसके तहत ही पंचायती राज विभाग ने बिहार में करीब 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना तैयार की है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का संकल्प को पूरा करने के लिए ये भर्ती की जा रही है। अब पंचायती राज विभाग ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान की राशि से सभी 1.10 लाख वार्डों में साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती पर काम शुरू कर दिया है। इससे शहरी निकायों की तरह गांव की गलियां भी साफ रखी जा सकेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा की डेट बदली। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती प्रीलिम्स परीक्षा की डेट बदल दी है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को किया जाएगा। पहले इस परीक्षा का आयोजन 5 मई को होने वाला था। इस संबंध में बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर सोमवार को नोटिस जारी किया गया है। बीपीएससी के लेटेस्ट नोटिस के अनुसार बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की निर्धारित तारीख 7 मई 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आंतरिक परीक्षा निर्धारित होने के कारण सीबीएसई स्कूल्स में सिटिंग उपलब्ध होने की से कठिनाई के कारण इस परीक्षा की तारीख को संशोधित करते हुए नई तारीख 8 मई 2022 को निर्धारित की जा रही है। बिहार में अब छोटे उद्योग लगाने में नहीं होगी परेशानी। बिहार में छोटे और मंझोले उद्योग को लगाने में अब कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि अब बिहार में 5 करोड़ से कम के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव को सचिवालय स्तरीय निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसके अनुशंसा हाल ही में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में ये किया गया है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में ये अनुशंसा की गई है कि 5 करोड़ या इससे अधिक के निवेश प्रस्ताव पर राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद निर्णय लेगा। दरअसल सरकार चाहती है कि छोटे छोटे निवेश प्रस्तावों को जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देकर प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जाए। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 42 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को फर्स्ट क्लियरेंस दिया था। साथ ही अनुशंसा की गई कि प्रोजेक्ट के परीक्षण भूमि की उपलब्धता और उसकी संभाव्यता देखकर उनके प्रस्ताव को वित्तीय क्लियरेंस के लिए परिषद के समक्ष रखा जाए। बिहार होकर गुजरने वाली राजधानी समेत 14 ट्रेनों का बदला रूट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जल्द ही बिहार से गुजरने वाली राजधानी समेत 14 ट्रेनों का रूट बदलने वाला है, जिसके तहत वाराणसी मंडल के औरिहार बलिया खंड के फेफना चित बड़ा गांव ताजपुर देहमा करीमुद्दीनपुर स्टेशन पर दोहरीकरण कार्य पर प्री एनआई और एनआई किया जाना है। इस कारण रेलखंड से गुजरने वाली 14 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, एक ट्रेन का आंशिक समापन आरंभ, एक ट्रेन को परिवर्तित समय और एक ट्रेन को नियंत्रित कर चलाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 30 मार्च तक 1-2 अप्रैल को नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 12562 नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग औरिहार मऊ फेफना के रास्ते किया जाएगा। एथेनॉल पर सरकार ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन इन दिनों हो रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद देखने को मिला, जिसके तहत ही गन्ना उद्योग लगवाने में पॉलिसी में संशोधन करने का मुद्दा देखने को मिला, जिसके तहत ही बीते दिन आयोजित विधानसभा बजट सत्र में भाजपा विधायक ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से बिहार में रोजगार और इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल किया। इस पर गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार गन्ना रस से एथेनॉल बनाने, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने को लेकर हर संभव प्रयास करेगी। भाजपा विधायक ने पूछा कि साल 2006 से 2009 के बीच इथेनॉल और चीनी उत्पादन की 40 परियोजनाएं स्वीकृत थी। बिहार दिवस समारोह में बच्चों के बीमार पड़ने पर एक्शन में सरकार। बिहार दिवस के 110 साल पूरा होने पर कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार बिहार दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान ही काफी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन इसी बीच बिहार के कई बच्चों के बीमार होने की खबरें सामने आई, जिस पर ही सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत ही अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही बीते दिन की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए नोडल पदाधिकारी समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग दोषी अधिकारियों के खिलाफ वेतन कटौती से लेकर निलंबन जैसी कार्रवाई जल्द कर सकता है। किसानों को सस्ती बिजली के लिए सरकार ने फिर खोला खजाना।
राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को अनुदान के साथ मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराती है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 6578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र में है। पुरानी योजनाओं को विस्तार दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देहर खेत को सिंचाई योजना के 7-2 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के तहत चल रहे काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जारी हुई गाइडलाइन। बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके तहत ही 4 अप्रैल को मतदान होने वाला है। हालांकि मतदान को लेकर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया और वोटर को लेकर निर्वाचन आयोग ने आवश्यक जानकारी साझा की है। साथ ही आयोग ने 12 बिंदुओं पर जानकारी देते हुए साफ किया है कि अगर मतपत्र हस्ताक्षर या फिर नाम लिखे तो मतपत्र अवैध हो जाएगा। वोटिंग के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन का ही उपयोग करना है। इसके साथ ही आगे यह भी साफ किया गया है कि अगर आप अन्य अभ्यर्थियों को भी पसंद करते हैं तो अगला चॉइस यानी कि अंकित कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। ऐसे में अगर आप किसी एक अभ्यर्थी के नाम के आगे अंक एक लिख देते हैं तो फिर दूसरे कैंडिडेट के नाम के सामने अंक एक नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ ही आयोग ने बताया है कि मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम नहीं। पटना हाईकोर्ट ने उत्पाद कोर्ट पर किए जा रहे काम का नीतीश सरकार से मांगा ब्यौरा। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने उत्पाद कोर्ट पर किए जा रहे काम का नीतीश सरकार से ब्यौरा मांगा है। इस दौरान जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मामलों में की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा राज्य सरकार को अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उत्पाद कोर्ट के लिए बुनियादी सुविधाओं के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि इन कोर्ट के गठन में विलंब क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार की से पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया है कि सभी 74 उत्पाद कोर्ट के लिए जजों की बहाली हो चुकी है। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने के लिए ग्राम रक्षा बल ने किया विधानसभा का घेराव। बीते दिन ही नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम रक्षा बल ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ग्राम रक्षा दल के सैकड़ों सदस्य अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए भारी संख्या में बिहार विधानसभा पहुंच गए थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान भी मौजूद रहे। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा गेट पर विधायकों का घेराव कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए इन प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग धरना स्थल भेज दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए इन प्रदर्शनकारी पुलिस मित्रों को पीछे धकेला, तभी जाकर बिहार विधानसभा मुख्य द्वार की स्थिति सामान्य हुई। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बारिश की उम्मीद। बिहार में गर्मी का प्रकोप जारी है। मार्च के महीने में ही लोगों को अब जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। कई जिलों में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि इन सबके बीच अब बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1-2 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है और मार्च के अंतिम सप्ताह में मौसम काफी सुहाना होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मार्च के बाद प्रदेश में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण 30 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्व विभाग सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी होगी। कुछ इलाकों में बादल भी छाए रह सकते हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर किया विवाद। बिहार विधानसभा में विधायकों ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी विवाद किया। तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को सरकार ने सभी विधायकों को फिल्म दिखाने के लिए कहा था। एमएलए को इसके लिए उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने टिकट भी दिए थे। विधानसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई विधायक हंगामा करने लगे। माले और राजद के सदस्यों ने फिल्म कश्मीर फाइल्स में धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाकर फिल्म के टिकट फाड़ दिए। हंगामा कर रहे विपक्ष ने टिकट आसन के सामने ही फेंक दिया। मुकेश सहनी को कांग्रेस ज्वाइन करने का मिला न्योता। बिहार एनडीए में सहनी के अस्तित्व के खत्म होने के साथ ही सहनी को कांग्रेस में ज्वाइन करने का ऑफर मिला है, जिसके बाद ही बीते दिन पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पद से हटने के बाद मुकेश सहनी को कांग्रेस ने पार्टी में आने का न्योता दे दिया है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि अगर मुकेश सहनी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला है। कहीं न कहीं मुकेश सहनी को कांग्रेस का सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि सरफ मल्लाह के लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला है। बता दें कि मुकेश सहनी को पशु एवं संसाधन मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। राजद एमएलसी को सभापति ने किया निलंबित। बीते दिन राजद एमएलसी को सभापति ने निलंबित करने का काम किया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार विनियोग और वाद विवाद के दौरान सोमवार को विषय से इतर बोलने पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्रवाई की और इसे बिहार का अपमान बताया। सभापति ने सुनील कुमार सिंह के मामले को आचरण समिति को सौंप दिया। सजा के तौर पर ही अब मंगलवार को सुनील कुमार सिंह सदन नहीं आएंगे। इसके साथ ही सभापति ने विधान परिषद में सुनील कुमार सिंह के बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो बीते दिन आयोजित सत्र में सभापति ने बीच में सुनील को टोका पर वो नहीं माने। कविता पढ़ने के बाद उन्होंने नीतीश पर आपत्तिजनक तस्वीर भी दिखाई। सुनील कुमार सिंह के आचरण पर जदयू सदस्यों ने आपत्ति जताई है। इस घटनाक्रम पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने एतराज जताया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल
नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे 1857 के सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए। अकबर ने 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हरा दिया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 1954 में उद्घाटन किया गया। हिमालय की तलहटी में 1999 में आए जबरदस्त भूकंप में तकरीबन 90 लोगों की जान गई। दिल्ली के उपराज्यपाल और त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी का 1928 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का 1929 में जन्म हुआ। 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री राम शरण गुप्ता का निधन हुआ। अब आपका फोन बताएगा आपके दिल का हाल। अब दिल और आंखों की जांच कराने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे स्मार्टफोन से ये सारे काम हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल ने घोषणा की है कि वो दिल से संबंधित और आंखों की स्थिति का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इस कदम से लाखों एंड्रॉयड डिवाइसेज मालिकों के लिए अपने घरों में आराम से बैठकर गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाना आसान हो जाएगा। दरअसल गूगल ने कहा है कि वो एक नए तरीके का टेस्टिंग कर रही है जिसमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिल की धड़कन और बड़बड़ाहट का पता लगाने के लिए काम किया जा सकता है। गूगल ने कहा है कि छाती के ऊपर रखने पर दिल की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन में बिल्ट इन माइक्रोफोन का उपयोग करने से उसकी योजना है। आज भिड़ेगी सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम। आईपीएल के 15वें सीजन के मुकाबले की शुरुआत हो गई। अब तक कई टीमें एक दूसरे से भिड़ चुकी है। इसी कड़ी में आज सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स भिड़ने वाली है। हालांकि इन दोनों टीम का पहला मुकाबला आज होने वाला है, जहां पर दोनों ही टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। ये मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है, जिसका लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। बख्तियारपुर में सब हुआ बंद। बिहार की राजधानी पटना के बख्तियारपुर में बीते दिनों हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमले पर बीते दिन काफी विरोध देखने को मिला, जिसके तहत ही बीते दिन बख्तियारपुर में काफी विरोध हुआ। इस घटना के बाद दुकानदारों ने स्वतः अपनी दुकान बंद कर दी थी। यहां के दुकानदारों का कहना है कि कल जिस तरह की घटना हुई वो शहर के लिए बेहद ही शर्मनाक घटना है। हम लोग इसके लिए शर्मिंदा है। दुकानदारों ने बताया है कि नीतीश कुमार हमारे राजा है, उनके साथ उनके ही गृह क्षेत्र में इस तरह की घटना आहत करने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोल्डी कुमार, गौतम कुमार, आकाश कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नीरज कुमार, संजय कुमार, दिव्यांशु कुमारी, पूजा कुमारी, राजीव कुमार, मनोरंजन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार स्कूलों में बढ़ाए गए फीस से अभिभावकों की परेशानी बढ़ी है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।